और फ्रेंड्स कल जब मैंने स्मॉल केस के ऊपर वीडियो बनाई थी ना, तो यहाँ पे एक कमेंट आया था जहाँ पे मेरे को एक सब्सक्राइबर ने बोला कि भाई यहाँ पे अब आपने लोन के ऊपर एप्लीकेशन या लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करना छोड़ दिया है क्या। मैंने बोला नहीं यार, बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी लोन एप्लीकेशन जहाँ पे से आप अच्छा खासा एक पर्सनल लोन ले सकते हो, अप टू 2 लाख का आप ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। मैं बात करने वाला हूँ आज क्रेडिट बी के बारे में। क्रेडिट बी के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि क्रेडिट बी से कैसे लोन ले सकते हैं, कैसे यहाँ पे आपका रीपेमेंट का डेट है या क्या क्या आपको ये चार्जेस लगाने वाले हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखना। और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं, हाउसवाइफ भी अप्लाई कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, आप लोगों के पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। विदाउट इसके आपको जो है वो लोन नहीं मिलने वाला है। तो गाइस आपको लेके चलता हूँ स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर आपने हमको टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के अंदर फॉलो अभी तक नहीं किया है तो यार जाके फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे आप लोग डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। और लगे हाथ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल रील्स में शेयर करता हूं जो आपकी नॉलेज को भी इंक्रीज करती है। अब बातें बहुत हो गई, आपको लेके चलता हूं स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर। सारे चार्जेस से लेके कि भाई आपको ये यूज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सबके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ क्रेडिट बी की वाली एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर साइन अप करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिंपली अपना मोबाइल नंबर डाल के या अपनी जीमेल आईडी से सिंपली लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड डालना पड़ेगा, अपना पैन कार्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो कुछ इस तरह का अकाउंट जो है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। सबसे पहली मैं चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो कि आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं लोन के। यहाँ पे देखिए सिंपली आप जो है बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। ये एक फ्लेक्सिबल लोन है जी, आपकी जो लिमिट है वो 10,000 से ऊपर तक की भी हो सकती है, लेकिन अभी को 6,200 रुपए की यहाँ पे इन्हें लिमिट प्रोवाइड करी हुई है। अब थोड़ा तो नीचे आता हूं तो यहाँ पे आपको परचेज और ईएमआई देखने का ऑप्शन देखने में मिल जाता है। अब ये परचेज और ईएमआई है क्या, मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई फ्लिपकार्ट से सामान खरीदा, यहाँ पे आपने जो है वो अमेजोन से सामान खरीदा या कोई भी वेबसाइट से सामान खरीदा, तो वहां पे यार वो पेमेंट गेटवे यूज करते हैं। वो पेमेंट गेटवे क्या होता है, पेमेंट गेटवे जहां से वो पेमेंट कर रही है कंपनी। अब देखिए जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, पाइन लाइफ का, एम स्वाइप का, कैश फ्री और पे यू मनी। आपने ये इन दोनों का नाम तो यहाँ पे आपने डेफिनेटली सुना ही होगा, कैश फ्री और यहाँ पे यू मनी का। ठीक है, जब भी कोई कंपनी यहाँ पे पेमेंट करती है ना तो बीच में पेमेंट गेटवे लगाती है, तो यहाँ पे आपको ये लोग पेमेंट गेटवे के कूपन्स प्रोवाइड कर देते हैं या गिफ्ट वाउचर प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आप जो है वो उन कूपन से अगर इसके अंदर सामान खरीदना चाहते हो या कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो आपका पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए भी जो है वो आपको ये ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड प्रोवाइड करती है, पेयू मनी का और कैश फ्री का और एम स्वाइप का, बहुत सारे जो है उनके मर्चेंट भी है। अब साथ ही साथ थोड़ा सा मैं नीचे और आता हूं तो यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लॉक्ड है ये वाला ऑप्शन, जो पर्सनल लोन मेरे को सैलरीड के ऊपर मिल रहा है, बैंक ट्रांसफर अप टू 3 लाख का। तो आप यहां पे एक बार नजर मार सकते हो जहां पे मेरे को 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट रेट के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्या क्या इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करने वाले हैं। अब देखिए यहां पे आपको ये सारी चीजें ओपन करवाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये होगी एक वीडियो कॉल केवाईसी, आप लोगों के सामने अभी देखिए लाइव केवाईसी कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका स्टार्ट होगा और यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। आपको अपना ओरिजिनल जो है वो यहाँ पे शो करना होगा, पैन कार्ड, और साथ ही साथ जो है वो कुछ आपको प्रॉपरली ड्रेस्ड करना है, मतलब फेस वगैरह आपसे देखेंगे आपका। और सिंपली करोगे आप स्टार्ट केवाईसी के ऊपर क्लिक, और यहाँ पे आपको करना है सिंपली स्टार्ट केवाईसी और करोगे यहाँ पे वाइल अ ऐप सारी इनको परमिशन दोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो केवाईसी है वो चालू हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो है वो केवाईसी डन हो गई है, केवाईसी आप लोगों के सामने मैंने अप्रूवल करी है। सिंपली करता हूँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। अब यहाँ पे देखते हो मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है केवाईसी कंप्लीट करने का, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। अब देखिए यहाँ पे सिंपली आपको करना है बैंक ट्रांसफर के ऊपर क्लिक। अब यहाँ पे आपको अप टू 2 लाख का तक का लोन मिल सकता है, लेकिन स्टार्टिंग जो लिमिट होगी ना वो आपको 6,000, 5,000, 3,000, 2,000 या 10,000 भी मिल सकती है। लेकिन जैसे ही आप ये फ्लेक्सिबल लोन वाली एक बार इसके अंदर ये कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपका जो अकाउंट है बूस्ट हो जाता है, ये आपको अप टू 2 लाख तक की लिमिट ये दे सकता है। अब वो
लिमिट 10,000 की भी हो सकती है, 20,000 की भी हो सकती है, 5,000 की भी हो सकती है या 50,000 की भी हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने बोला है ये आपको प्रोवाइड करेंगे अप टू 2,00,000 के आसपास लोन। तो फ्रेंड्स उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे गेट नाउ के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए मेरी क्रेडिट प्रोफाइल यहाँ पे चेक की जा रही है, और यहाँ पे जैसे ही क्रेडिट प्रोफाइल चेक की जाएगी तो मेरे को यहाँ पे आ जाएगा कि भाई यहाँ पे आप जो है वो लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। अब देखिए मेरी यहाँ पे लोन लिमिट इनने इंक्रीज कर दी है, आप लोग के सामने 11,000 रुपए तक की लोन की लिमिट कर दी है। मैं यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। अब यहाँ पे देखिए फिर से फेचिंग हो रही है प्रोफाइल। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ सिंपली गेट नाउ के ऊपर क्लिक। अब पहले यहाँ पे 6,500 थी, अब यहाँ पे 11,000 कर दिया। सिंपली मैं करता हूँ गेट नाउ के ऊपर क्लिक। अब देखिए यहाँ पे मेरे से टेन्योर पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पे मेरे को कितना अमाउंट चाहिए। मैं सिंपली देखिए यहाँ पे अपना अमाउंट डाल सकता हूँ, मेरे को अमाउंट 8,000 रुपए का लोन चाहिए या 8,500 रुपए का लोन चाहिए। आप जो है वो इससे नीचे का लोन नहीं ले पाओगे क्योंकि यहाँ पे इनको जो है वो अपना टेन्योर में भी पैसे कमाने हैं। अब यहाँ पे जैसे कि टोटल जो अमाउंट लिमिट है 11,000 रुपए की है, अब यहाँ पे 4-5 महीने के हिसाब से मेरे को जो है लोन की किस्त देनी पड़ेगी जिसका अमाउंट होने वाला है 2,367 रुपीज़ के आसपास। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं डालता हूँ कैलकुलेटर और यहाँ पे डालता हूँ 2,367 × 5। टोटल अमाउंट मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा 11,835 रुपए के आसपास, जबकि मेरे को यहाँ पे लोन मिल रहा है 11,000 रुपए का और टोटल 5 महीने में इसने कमाए मेरे से 835 रुपए के आसपास। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं सिंपली करता हूँ यहाँ पे व्यू समरी एंड चार्जेस के ऊपर क्लिक। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना तो यहाँ पे मेरा दिमाग मेरे खुल गए क्योंकि भाई यहाँ पे ये आपसे टोटल इंटरेस्ट कमा रहा है 838 रुपीज़ के आसपास और यहाँ पे आपको टोटल एनुअलाइज इंटरेस्ट ये लगा रहा है 29.5095, मतलब 30% का ही आपको जो है इंटरेस्ट रेट लगा रहा है और यहाँ पे एनुअल परसेंटेज रेट जो चल रहा है यहाँ पे 67% का जो है यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट चल रहा है। और यहाँ पे प्रीमियम इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड कर रहा है जो 129 रुपीज़ का है। अभी इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि भाई कोई भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी आपके साथ कुछ ऐसा हो गया तो यहाँ पे लोन आपका जो है वो रिकवर हो जाएगा। आपको नहीं करना है, वो आपको ये इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे करके देगी। अब यहाँ पे चार्जेस की अगर बात करूँ तो भाई यहाँ पे 50% का फ्लैट यहाँ पे आपको डिस्काउंट दे रखा है। वो डिस्काउंट क्यों दे रखा है वही मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखिए क्रेडिट रीअसाइनमेंट फी भी आपको यहाँ पे दे रखी है 123 रुपए के आसपास। अब ये क्रेडिट रीअसाइनमेंट क्या है, जब मेरी क्रेडिट यहाँ पे इंक्रीज हुई थी ना, आपने देखा पहले 6,500 थी और फिर उसके बाद कितनी हो गई यहाँ पे 11,000 रुपए के आसपास हो गई, तो इनने 123 रुपए के आसपास मेरे से जो है वो यहाँ पे फी ले ली। अब क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट फी, अब ये रिपोर्ट फी क्या है, जब भी यहाँ पे आप जो है वो लोन लेते हो ना तो आपके सिविल स्कोर के अंदर वो लोन चढ़ता है। अगर यहाँ पे आप जो है वो लोन चढ़वाना चाहते हो तो आपको जो है वो 50 रुपए आपको इनको पे करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होगा। अगर आप टाइम टू टाइम यहाँ पे बिल पे करने लगोगे या टाइम टू टाइम EMIs कंप्लीट करने लगोगे तो ये रिपोर्ट करेंगे आपके सिविल के अंदर और यहाँ पे उसके लिए ही आपको 50 रुपये ये चार्ज कर रहे हैं और ऊपर से 18% का GST और लोन डॉक्यूमेंट्स फी। अब ये आपको लोन डॉक्यूमेंट फी क्या है, जही यहाँ पे ये सारे के सारे जो है वो आपसे KYC करवाई, आपसे जो है पैन कार्ड लिए, सारे के सारे आपसे पेपरलेस या आप जो है वो हैसल फ्री जो है वो आपकी यहाँ पे KYC करी, उसके लिए जो है वो यहाँ पे इनने 20 रुपीज़ का आपसे जो है वो चार्ज काट लिया है। अब सबसे बढ़िया बात तो मुझे ये लगी कि भाई यहाँ पे ये प्रॉपर बता रहे हैं कि हम क्या क्या आपसे चार्ज ले रहे हैं, इसके ऊपर ही आपसे एक भी रुपए का चार्ज नहीं लगाने वाले हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट यहां पे मेरे को देखने के लिए बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब 29% का जो है वो एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट ही आपको लगा रहे हैं, लेकिन पर्सनल लोन के अंदर आपको 18% में मिल जाता है, 15% मिल जाता है, लेकिन ये चीज बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी के ऊपर है। अब देखिए यहां पे आपसे पूछा जा रहा है और आपके देखिए आपके बैंक अकाउंट के अंदर 11,000 का लोन ले रहे हो ना, तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएंगे 9,735 रुपीज के आसपास और यहां पे आपको जो है बाकी का जो अमाउंट है वो इनको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 9,700 आया था ना, माइनस कर दो इसमें से 35 रुपीज़ के आसपास जहाँ पे से आपको इनको एक्स्ट्रा पे करना होगा 2,100 रुपये के आसपास, मतलब 2,100 रुपये के आसपास जो है वो इनको यहाँ पे आपको पे करना होगा। तो एट द एंड यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगा, जब आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तभी जाके आप इससे लोन लीजिएगा, वरना कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, अगर आप जो है वो EMI प्रोटेक्शन बाय करना चाहते हो, इवन आपका जो इंश्योरेंस था ना अगर वो बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हो, वरना जो है उसको हटा सकते हो। आप अपनी क्रेडिट प्रोफाइल को भी जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो, वरना जो है वो आपको करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप ये करते हो तो यहाँ पे जो है वो आपको फ्लैट 50% का 50 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल रहा है, जो आपको ऊपर यहाँ पे साफ साफ नज़र भी आ रहा होगा। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ अगर आप रेगुलर बेसिस पे लोन लेते हो, आपको रेगुलर बेसिस पे लोन की नीड पड़ती है, तो डेफिनेटली ये चीज़ करना अच्छा है जो आपकी
क्रेडिट हिस्ट्री को या क्रेडिट प्रोफाइल को इंक्रीज करता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इतना पड़ा, ओवरऑल जो है वो आपका थोड़ा सा अमाउंट यहाँ से डिडक्ट होके इतना बन गया है। अब यहाँ पे व्यू आ शेड्यूल के ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए आपके ऊपर कितनी कितने महीने में कितनी कितनी की ईएमआई बनने वाली है। पहले महीने के अंदर यहाँ पे आपको 275 रुपीस का इंटरेस्ट रेट देना है, फिर उसके बाद आपको 222 का देना है। लेकिन ये आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना ओवरऑल जितना अमाउंट आपका बचा हुआ है, मान लीजिए आपने 11,000 रुपये का लोन लिया तो उसमें से आपने पहले स्टार्टिंग मंथ में 2,000 रुपये पे कर दिया, 2,500 रुपये पे कर दिए, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पड़ने वाला है, ना कि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पेनल्टी वगैरह की फी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ओवर ड्यू फी साथ ही साथ पेनल्टी फी और यहाँ पे 31 to 90 डेज की पेनल्टी चार्जेस यहाँ पे आपको यहाँ पे सब चीज नजर आ रहा है। सिंपली आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, अपना बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, डायरेक्टली पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंच जाने वाला है। अब थोड़ा मैं बैक आता हूँ। अब ये वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका तभी ओपन होने वाला है जब आपने ये पहले वाला पड़ाव जो है वो पार कर लिया है या पहली बार आपने जो है वो इसके अंदर लोन ले लिया है। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ परचेस ऑन ईएमआई के ऊपर क्लिक, जैसे ही परचेस ऑन ईएमआई के ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो इंटरेस्ट रेट आपको 18% का दिया जा रहा है पर एनएम के ऊपर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 लाख प्लस मर्चेंट ऑफलाइन मर्चेंट स्टोर यहाँ पे मिल जाते हैं, साथ ही साथ 5 लाख प्लस मर्चेंट जो है मिल जाते हैं आपको ऑनलाइन के अंदर, लेकिन आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो अप टू 1 लाख रुपीज तक और फ्लेक्सीबल ईएमआई है, आप कभी भी या किसी भी टाइम पे जो है वो इनके ऊपर फ्लेक्सीबल ईएमआई करवा सकते हो। सेम प्रोसीजर है, आप जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि भाई यहाँ पे किस किस तरीके से जो है वो आपको पेमेंट करना है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे देखने के मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ तो ये वाला जो प्रोफाइल है ये आपका तभी ओपन होने वाला है जब यहाँ पे आपने वो सारे के सारे टास्क या वो सारे के सारे लोन के जो प्रोसीजर है कंप्लीट कर लिए हैं, स्टार्टिंग में पहला लोन ले लिया, उसके बाद जो है वो आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा, उसके बाद जैसे जो है वो आपका वो सारा कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा जहाँ पे आप अप टू 3 लाख रुपीज तक का लोन ले पाओगे और यहाँ पे 18% का जो है वो आपको यहाँ पे जीएसटी पड़ रहा है और 18% का जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट भी पड़ रहा है। ये थोड़ा सा एक फायदेमंद वाला सौदा है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान से और टाइम से देखना पड़ेगा कि भाई ये क्या क्या चीज़ है। अब यहाँ पे पेनल्टी वगैरह भी आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या आपको पेनल्टी लगने वाली है, कैसे कैसे जो है वो आपको यहाँ पे सब चीज़ करना है। और देखिए ऑफर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑफर्स के अंदर आप जैसे ही क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी जो है वो ऑनलाइन मर्चेंट्स हैं जिनके साथ इनका टाइप है, टाटा क्लिक वालों के साथ है, हैमर वालों के साथ है, लीफ वालों के साथ है, क्रॉसबीट, लिसियस और यहाँ पे जो है वो बॉक्स, मोजो पिज़्ज़ा, ईट क्लब और यहाँ पे मैडी बडी, बहुत सारे जो है वो इनके ऐसे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे मार्केट के अंदर जो स्टार्टअप हैं उनके साथ इनका बहुत अच्छी तरीके से टाइप है, आप कहीं भी आके जो है वो पेमेंट कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे रीपेमेंट हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जो भी आपने रीपेमेंट किया है, जो पेमेंट नहीं किया वो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके अकाउंट की डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे नजर आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप रेफरल करके भी जो है वो इसके अंदर अर्निंग कर सकते हो, और रेफरल करके कैसे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा नजर डालता हूँ तो यहाँ पे देखिए वो क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे अगर आप हमारे लिंक से इसको डाउनलोड करते हो, तो साथ ही साथ जो है वो आपको भी क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, आप इन क्रेडिट पॉइंट को यूज कर सकते हो बिल पेमेंट करने के लिए भी, वरना डायरेक्टली इन पॉइंट्स को एक पॉइंट एक रुपए के बराबर होती है, वरना देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पॉइंट हिस्ट्री के अंदर बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है वो 50 पॉइंट अर्न किए रेफर करके, फिर 150 पॉइंट्स और अर्न किए यहाँ पे सामने वाले ने लोन लिया, तो ओवरऑल मेरे जो अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुआ 150 रुपीज़ का ट्रांसफर हुआ, मतलब एक पॉइंट एक रुपए के बराबर होता है, तो डायरेक्टली जो है आप पर रेफर 150 रुपीज़ इसके अंदर से अर्न करने वाले हो। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सिंपली आप हेल्प वाले सेक्शन के अंदर जाके आप इनकी क्रेडिट हिस्ट्री, लोन, प्रोडक्ट्स, रिपेमेंट्स जो है वो यहाँ पे आप इनका सब चीज़ चेक कर सकते हो, क्या क्या आपको यहां पे चार्जेस लगाने वाले हैं, इनने प्रॉपर तरीके से आप लोगों को डिफाइन किया हुआ है, उसके ऊपर ये आपको कोई भी चार्ज नहीं लगाने वाले हैं। अब फ्रेंड्स यहां पे आ जाता है मेरा ओपिनियन कि भाई मैं क्या कहता हूं इस एप्लीकेशन के ऊपर। यार मेरा ओपिनियन तो यही है कि भाई अगर आपको लोन की अर्जेंट में नीड है और आप बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए हो तो भाई तभी जाके आप जो है वो किसी के अंदर भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना इसके अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करवा लो, अकाउंट ओपन करवाने के बाद अगर आपको जब भी लोन की नीड होगी तब आप लोन के लिए अप्लाई करके यहाँ पर इजी तरीके से लोन ले पाओगे, वरना इंटरेस्ट रेट हाई है। आप अदर एप्लीकेशन के अंदर भी स्विच हो सकते हो, जैसे कि एम पॉकेट है, ट्रू बैलेंस है, साथ ही साथ रिंग पे के ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन रिंग पे वाले भी बताते नहीं है यार कितना परसेंट जो है आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नीड है तब आप इसके अंदर स्विच कर सकते हो। और एक ऑप्शन आपको और यहाँ
पे देखने के लिए मिलता है, जो कि है यहाँ पे फ्लेक्सिबल EMIs। आप जो है EMIs के अंदर भी कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे पेमेंट गेटवे यूज होना चाहिए कैश फ्री का या पेयू मनी का। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सब चीज समझ में आ गया है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है या नहीं हो सकती, ये तो अब आपको ही सोचना है, क्योंकि लोन लेना तो आपको है, रीपेमेंट भी करना आपको है। बस मेरा काम था कि भाई वीडियो बना के आपको बताना कि भाई आपके लिए एप्लीकेशन बेटर हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सब चीज समझ में आ गया है। कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, वरना हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल तो खुला ही हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एंड करता हूँ, धन्यवाद।